बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तमाम नाज़रीन को एजाज़ बाबू ख़ान का अस्सलाम वालेकुम। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चर और उर्दू के तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक नए मौजू के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हमारा मौजू है उर्दू कसीदा निगारी और हजु निगारी के बादशाह मिर्ज़ा रफ़ी सौदा। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा मीर तकी मीर के हम असर और उन शौरा में शामिल हैं कि जिनका नाम उर्दू अदब या उर्दू शायरी की तारीख में हमेशा ज़िंदा रहेगा। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा 1706-07 में दिल्ली में पैदा हुए। उनके वालिद मिर्ज़ा मोहम्मद शफी तिजारत करते थे। जब उनके वालिद की वफ़ात हुई तो जो कुछ विरासत में मिला उसे थोड़े ही अरसे में खा पी कर ख़त्म कर दिया और सौदा ने सिपाही पेशा इख्तियार किया। कुछ अरसे बाद सिपाही पेशा तर्क करके मसाहिबत का पेशा अपनाया। सौदा ने मीर के बरखिलाफ़ शायरी का आगाज़ फ़ारसी से किया। खान आर्ज़ू की तरगीब पर उर्दू गज़ल की तरफ मुतवज्जे हुए। सौदा फ़ारसी में खान आर्ज़ू और उर्दू में शाह हातिम के शागिर्द थे। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा सारी उम्र दरबारों से वाबस्ता रहे। 1771 में शुजाउद्दौला के हमरा फैज़ाबाद के दरबार से वाबस्ता रहे। बाद में आसिफुद्दौला के हमरा लखनऊ मुंतकिल हो गए। 27 जून 1781 को लखनऊ में ही सौदा की वफ़ात हुई। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा की तसानीफ़ में मसनवी सबील हिदायत का उर्दू दिबाचा, मसनवी इबरतुल गाफलीन का फ़ारसी दिबाचा और रिसाला शोलाए इश्क शामिल हैं। मसनवी सबील हिदायत में मिर्ज़ा रफ़ी सौदा ने उस ज़माने के मशहूर मरसिया गो शायर मोहम्मद तकी तकी के एक सलाम उर्क मरसिए की मंजूम शरह लिखी है और उसमें ज़ुबान बयान की गलतियों को वाज़े किया है। मसनवी इबरतुल गाफलीन मिर्ज़ा फ़ाखिर मकीन के जवाब में लिखी। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा की शायरी में उनका दीवान फ़ारसी, दीवान गज़लियात उर्दू और दीवान कसाइद हज मरासी वगैरह शामिल हैं। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा उर्दू शायरी के हवाले से अपनी कसीदा निगारी के हवाले से ख़ास शोहरत रखते हैं। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा ने उर्दू में कुल 41 कसाइद लिखे, जिसमें से 14 कसाइद आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमाए कराम के हवाले से हैं। 25 कसाइद बादशाहों, वज़ीरों और उमरा के मदह में लिखे गए, जबकि 2 कसाइद सियासी और समाजी माहौल के हवाले से लिखे गए। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा से कबल उर्दू में कसीदे को कोई काबिले ज़िक्र फ़न नहीं समझा जाता था, ना उर्दू में कसीदे की कोई काबिले ज़िक्र रिवायत मौजूद थी, लेकिन मिर्ज़ा रफ़ी सौदा ने अपनी खल्लाकाना सलाहियतों से उर्दू कसीदे को फ़ारसी कसीदे का हमपल्ला बना दिया। यही नहीं, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा ने शौकत अल्फाज, बुलंद आहंगी, कुदरत ज़ुबान, तखय्युल की बुलंद परवाज़ी और मुबालगा आरई के ज़रिए उर्दू कसीदे को फ़ारसी कसीदे के मुकाबले पर खड़ा कर दिया। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा ने शौरी तौर पर उर्दू कसीदे में फ़ारसी कसीदे के तमाम मौजूआत, असालीब और रिवायत की पैरवी की। यही नहीं, बल्कि उन्होंने अहम तरीन फ़ारसी शौरा के फ़ारसी कसीदों की ज़मीनों में भी उर्दू कसीदे लिखे। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा के कसीदों की अहम खसूसियत फितरी बेसाख्तगी और बरजिस्तगी है, जिसमें मिर्ज़ा रफ़ी सौदा को कमाल हासिल था। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा ऐसे रवा दमा शायर नज़र आते हैं कि कसीदा निगारी में उनका कोई दूसरा हमसर नज़र नहीं आता। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा ने अपने कसीदों में न सिर्फ शख्सियात की मदा आरई की, बल्कि अपने चंद कसीदों में अपने माहौल और माशरे की भी ज़बरदस्त अक्कासी की है। इस लिहाज से भी मिर्ज़ा रफ़ी सौदा ख़ास अहमियत के हामिल हैं। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा न सिर्फ कसीदा निगारी बल्कि हजव के हवाले से भी सबसे बड़ा नाम है। हजव कसीदे का ही मनफी रुख है। कसीदे में मदह की जाती है जबकि हजु में मजम्मत। हजु में किसी शख्सियत को मौजू बनाकर उसकी तजहीक की जाती है और उसकी किरदार कशी, तंजो तशनी, यहाँ तक के दुश्नाम तक को भी इसमें रवा रखा जाता है। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा उर्दू में हजु के भी सबसे बड़े शायर माने जाते हैं। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा ने अपने ज़माने के अहम तरीन हजगोश शायर मीर ज़ाहिक से भी कई मार्के किए। यही नहीं, सौदा ने मीर तकी मीर को भी अपनी हज का निशाना बनाया। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा हज के हवाले से बहुत इनफरादियत रखते हैं। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा ख़ुद कहते हैं कि फ़ारसी में खाकानी और उबेर ज़ाकानी जैसे शौरा भी हज में उनका मुकाबला नहीं कर सकते।
मिर्ज़ा रफ़ी सौदा हजू में फ़ारसी शायर अनवरी के मद्दे मुकाबिल समझे जाते हैं। अनवरी फ़ारसी शायरी में हजू और कसीदे के हवाले से शोहरत रखते हैं। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा के हवाले से आबे हयात में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने एक वाक़िया लिखा है कि मिर्ज़ा रफ़ी सौदा अपने एक गुलाम गुंचे को हर वक्त अपने साथ रखते थे, जो कलमदान भी साथ लिए फिरता था। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा जब किसी से बिगड़ते तो अपने गुलाम को आवाज़ लगाते कि अरे वो गुंचे, ज़रा कलमदान तो ला, मैं ज़रा इसकी खबर लूँ, ये मुझे समझता क्या है। और उसके बाद शर्म की आंखें बंद और बेहयाई का मुंह खोलकर ऐसी बेनक सुनाते कि शैतान भी अमान मांगे। ये वाक़या मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आबे हयात में तहरीर किया है। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा ने शख्सियात के अलावा दो अहम हजू में कसीदा तजहीके रोज़गार में घोड़े और हज फील में हाथी को मौजूए सुखन बनाया है। इन दोनों हज के पस मंज़र में सियासी और समाजी शऊर कार फरमा है और पूरे मुआशरे और उसके मिजाज की अकासी भी उन हजों में नज़र आती है। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा हजू में ऐसे बाकमाल शायर हैं कि उन्हें अपने बात के इजहार का मुकम्मल उबूर हासिल है। कहीं पर भी ये महसूस नहीं होता कि मिर्ज़ा रफ़ी सौदा को अपने इजहार के लिए दुरुस्त अल्फाज नहीं मिल रहे। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा कसीदा और हज के तो सबसे बड़े शायर हैं ही, लेकिन अपने ज़माने में मरसिया निगारी के हवाले से भी ख़ास अहमियत के हामिल हैं। गो के उस ज़माने में मकबूलियत के एतबार से मिर्ज़ा रफ़ी सौदा के मरसियों को ख़ास अहमियत हासिल ना हुई, लेकिन फ़नी एतबार से उस ज़माने के सबसे अहम और बड़े मरसिया गो मिर्ज़ा रफ़ी सौदा नज़र आते हैं। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा ने कसीदे की तरह मरसिये को भी तशबीब यानी चेहरे से रोशनास करवाया। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा की दूसरी अहमियत ये है कि उन्होंने मरसिये की हैयत भी मुकरर की। उनके अक्सर मरसिये मुसद्दस की हैयत में हैं, जो बाद में मरसियों की असल हैयत करार पाए। इसके अलावा उन्होंने वाक़े करबला के हवाले से हर वाक़े के लिए अलहदा अलहदा और मरबूत मरसी लिखने का आगाज़ भी किया, जो बाद में वाक़े निगारी की बुनियाद बना। इस एतबार से मिर्ज़ा रफ़ी सौदा मरसिये के भी बड़े शायर माने जाते हैं। कसीदा निगारी, हज निगारी और मरसिया निगारी के अलावा मिर्ज़ा रफ़ी सौदा गज़ल के भी अपने ज़माने के बाकमाल शौरा में शुमार होते हैं। मीर तकी मीर, जो उनके हम असर और बड़े शायर हैं, उन्होंने अपने तस्करे नकातु शौरा में मिर्ज़ा रफ़ी सौदा को मलिकु शौरा का खिताब भी दिया है। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा गज़ल के हवाले से इस लिए अहमियत के हामिल हैं कि उन्होंने उर्दू गज़ल में फ़ारसी रिवायत की पैरवी की। उस ज़माने में उनकी फ़ारसी रिवायत, फ़ारसी असालिब बयान और तशबीहात और इस्तियारात और मौजूआत को उर्दू शायरी में मिर्ज़ा रफ़ी सौदा ने इस तौर पर समेटा कि उर्दू गज़ल में भी फ़ारसी जैसी शीरीनी और बुलंद आहंगी पैदा हो गई और सौदा उस ज़माने के एक नुमाइंदा गज़ल गो शायर नज़र आते हैं। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा की गज़लों में उसने महबूब और उसके नाज़ो अदा का बयान ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन मिर्ज़ा रफ़ी सौदा किसी ख़ास मौजू के हवाले से अपनी गज़ल में इजहार नहीं करते। उनकी गज़ल मुतनव्वे मौजूआत का मजमूआ है, लेकिन तमाम मौजूआत के हवाले से मिर्ज़ा रफ़ी सौदा के यहाँ बेहतरीन अशार देखे जा सकते हैं। चंद अशार देखिए। कैफियत चश्म उसकी तुझे याद है सौदा, सागर को मेरे हाथ से लीजो के चला में, ठहरा है तेरी चाल में और जुल्फ में झगड़ा, हर एक ये कहती है लटक मुझ में बड़ी है। सौदा खुदा के वास्ते कर किस्सा मुख्तसर, अपनी तो नींद उड़ गई तेरे फसाने में। गुल फेंके हैं आलम की तरफ बल्कि समर भी, ए खाना बर अंदाज़े चमन कुछ तो इधर भी। फिक्रे मुआश इश्के बुतां याद रफ्तगां, इस जिंदगी में अब कोई क्या क्या किया करे। सौदा जो तेरा हाल है उतना तो नहीं वो, क्या जानिए तूने उसे किस आन में देखा। या सौदा की जो बाली पे गया शोरे कयामत, खुदा में अदब बोले अभी आंख लगी है। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा अपने ज़माने में उर्दू शायरी के एक ऐसे नुमायाँ नज़र आते हैं जिन्होंने अपने पूरे ज़माने को बहुत मुतासिर किया। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा अपने ज़माने में इस कदर मकबूल थे कि मीर तकी मीर जैसे शायर ने भी उनकी अजमतों को तस्लीम किया।
यहाँ तक कि मीर तकी मीर ने अपने ज़माने के शोरा के हवाले से एक अजीबो गरीब नज़रिया कायम किया था। मीर कहते थे कि इस ज़माने में सिर्फ ढाई शायर हैं। फिर उन्होंने ढाई शायर की वजाहत करते हुए ख़ुद को एक शायर करार दिया, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा को भी एक मुकम्मल और पूरा शायर करार दिया, और फिर आधा शायर मीर दर्द को भी करार दिया, और उसके बाद फिर वो मज़ीद मीर सोज़ को भी पाव शायर करार देते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इस हवाले से तफसीलात भी लिखी हैं। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा की शायरी के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेने के बाद ये बात तो वाज़ह हो जाती है कि मिर्ज़ा रफ़ी सौदा अपने ज़माने की दीगर शोरा में एक बुलंद और नुमाया मुकाम रखते हैं। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा के हवाले से अगर इंटरव्यू में जो सवालात पूछे जाने के इम्कानात हैं वो उनकी कसीदा गोई या हज गोई की खसूसियात के हवाले से है। उनकी कसीदा गोई की खसूसियात यहाँ पर बोर्ड पर भी लिखी हैं और लेक्चर में भी बयान कर दी गई हैं। इसके अलावा उनकी गज़ल की जो इनफरादियत है उसके हवाले से भी वीडियो में बात की जा चुकी है, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा उनके कसीदों की तादाद भी पूछी जा सकती है जो इस लेक्चर में बयान कर दी गई है। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा अपने दौर के एक नुमाइंदा और अहम शायर नज़र आते हैं। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा अपनी शायरी के हवाले से कहते हैं, सुखन मेरा है मुकाबिल मेरे सुखन के मैं सुखन से हूँ मशहूर और सुखन मुझसे। बिलाशुबा मिर्ज़ा रफ़ी सौदा का शुमार उर्दू के बेहतरीन और अहम तरीन शोरा में किया जा सकता है। आज हमने मिर्ज़ा रफ़ी सौदा की सवाने तसानीफ़ और उनकी शायरी की नुमाया खसूसियात के हवाले से तफसीली जायज़ा लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो के नुमाया और अहम नुकात को आपने कलमबंद कर लिया होगा। बहुत जल्द एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मौसूल होते रहें। बहुत जल्द नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।